खबर हांडिया प्रयागराज से, जहां उत्तराखंड क्षेत्र के बलीपुर बाजार में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 मरीजों की जांच कर दवाइयां वितरित की गई। रोज मेमोरियल क्लिनिक बलीपुर बाजार में सोमवार को रोज मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी के सौजन्य से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में यासीनपुर बलीपुर पट्टीराम साड़ा महटी कर महुआ कोठी चांदोपारा यासीनपुर भवानीपुर बसगीत नौ बाजार सदहा इनायत पट्टी मेहरूपुर आदि गांव के लोग स्वास्थ्य शिविर में उमड़ पड़े। स्वास्थ्य शिविर में 300 मरीजों को निःशुल्क जांच कर दवाइयां वितरित की गई। शिविर में डॉक्टर जितेंद्र कुमार सरोज सुनील कुमार बिंद हैदर अली अभिनव सिंह रमाकांत पटेल नरेंद्र सरोज सुभाष कुमार सुभाष चंद आदि डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की जांच कर उचित सलाह देकर दवाइयां दी। स्वास्थ्य शिविर में शुगर ब्लड प्रेशर आंख कान बुखार आदि रोगों के मरीज ज्यादा से संख्या में देखे गए। स्वास्थ्य शिविर में निःशुल्क जांच और दवाइयां पाकर मरीजों के चेहरे में खुशी दिखी। में जो निःशुल्क चिकित्सा हो रही है, अभी तक कितने लोगों का चिकित्सा हो चुका है, कितने लोगों को दवा वितरण हो चुका है, क्या उद्देश्य है इसका? अभी तक तो हमें लगता है कि मैंने 25-30 ओपीडी मैंने देख ली, और अभी भी चूँकि गांव में कैंप लगा हुआ है, गांव के लोग तो आपको ही पता है आज मैं गए में लॉकडाउन में किसी के पास पैसा नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसे कैंप लगाए जाए, जो भी छोटे मोटे अस्पताल में कैंप लगाए, बड़े लोगों को भी आकर के बड़े डॉक्टरों को जाकर सहयोग करना चाहिए बीच बीच, जिससे कि लोगों को जो कुछ भी हो दो ही चार दिन की दवाएं मिल सके मिल सके, क्योंकि इस समय बहुत खराब है। तो कैंप लगाना एक उचित चीज़ है और सबको धीरे धीरे करके समाज के लिए कुछ अपना अस्पताल का पार्ट पे करना चाहिए। उसी के दौर में ये रोज मेमोरियल क्लिनिक में डॉक्टर सुभाष चंद्र के क्लिनिक के लिए मुझे बनाया गया, उसी कैंप में अच्छा सर आपका परिचय। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सरोज, मैं मेरी सारी जो प्राइमरी एजुकेशन है चिकित्सा से संबंधित एजेंसी से ली, मैंने वहीं से बीडीएस भी किया, वहीं से बीएससी भी किया, उस कॉलेज में 2.5 साल से मैं रिटायर भी था और मैं उस कॉलेज का प्रेसिडेंट भी था। उसके बाद मैंने आज की चिकित्सा के ज़माने में मैंने कई सारे अवार्ड प्राप्त किए हैं, इंडियन ट्राइज अवार्ड, एमएससी अवार्ड, इंडियन लीवर की एक मॉनरी डिग्री भी इसी उसके मुझे अवार्ड मिला हुआ था। कर्म हमेशा करते रहने थी, लगन हमेशा हमेशा करते रहने थी, मैं सबको सारा और चाहे कोई भी किसी भी पेशे में हो, उसको अपने पेशे में जो भी है डॉक्टर इंजीनियर अधिकार मास्टर जो भी है अपने पेशे में उसको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक कि आपकी चीज़ें अच्छी ना। थैंक यू।